गुड मॉर्निंग बीएनआई। सो सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। ओके, सो वी आर इनटू वेबसाइट डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वी हैव लाइक 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट एंड वी क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड हाईली फंक्शनल वेबसाइट्स। We do all type of websites, static and dynamic websites. And our objective is to transform your business online presence with effective web solutions. Excellent. So, पहले जो traditional businesses होते थे and modern businesses में क्या difference है basically? तो पहले अगर हमें business शुरू करना पड़ता था तो हमें एक store चाहिए होता था offline में, ठीक है? और अगर आपको स्टोर चाहिए तो पहले आपको लैंड परचेज करना पड़ेगा या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क रहेंगे, फिर इंटीरियर वर्क्स भी रहेंगे उसमें। लेकिन आज के डेट में फॉर एग्जांपल आप अमेजोन को ले लो, फ्लिपकार्ट को ले लो, वो इतने बड़े बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी फिजिकल स्टोर एंड दे डोंट सेल इवन देयर ओन प्रोडक्ट्स। They help others to sell their product with a website. Okay, so this is the benefit of a good website. कि ये आपको global presence देता है और without traditional stores के आप अपने presence business को बढ़ा सकते हैं। Website basically एक marketing tool है businesses के लिए, जिसमें हम लोग दो तरीके का काम करते हैं, content creation का काम, दूसरा content distribution का काम। जिसमें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है और कंटेंट क्रिएशन में वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग बेसिकली, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है तो हम लोग डिजाइन थिंकिंग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग हर एक सिंगल बिजनेसेस को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तरह देखते हैं और हम लोग उसके लिए एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोग पहले डिस्कवरी करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर हम लोग डिप्लॉय करते हैं और फिर डिलीवर होता है प्रोजेक्ट, ठीक है? एक अच्छे वेबसाइट के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेज हैं, आप लोग भी वेबसाइट कहीं ना कहीं से बनवाए होंगे या बनवाते होंगे। तो क्या आपका वेबसाइट फनल ऑप्टिमाइज्ड है, हम आगे बात करेंगे फनल ऑप्टिमाइजेशन का। उस वेबसाइट का स्पीड कैसा है, एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है, और वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी के पास अलग अलग तरीके के डिवाइसेज हैं, तो उस डिवाइस में प्रॉपर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक अच्छे वेबसाइट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फनल पे आते हैं। जैसे आज मनु सर ने बताया कि विजिटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये विजिटर्स सिर्फ बीएनआई के लिए नहीं होता, हर एक बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम अपना वेबसाइट बनाए हैं, वहाँ पे जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतना ज़्यादा कन्वर्जन होगा हमारा, और विजिटर्स लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो जो टॉप ऑफ द फनल होता है, मतलब हमारा वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज हो गया, उस पर हम ट्रैफिक सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं, एसईओ के थ्रू ला सकते हैं। तो सिंपल क्रिएटिंग ए वेबसाइट डजंट गिव यू अ बिजनेस अनटिल एंड अनलेस यू डू डिजिटल मार्केटिंग ऑन दैट टू ब्रिंग ट्रैफिक, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आपका जो बॉटम ऑफ द फनल है उतना ज्यादा कन्वर्जन बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, डिजाइन प्रिंसिपल में एक और जो प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज किस प्रिंसिपल, ठीक है? कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए, आप लोग देख सकते हैं। जो फ्रंट एंड है हमारा, जो यूजर्स को दिखता है, वो बेसिकली 20% काम ही होता है। जो बैक एंड का काम होता है वो 80% काम होता है हमारा, जिसमें हर एक बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसके एल्गोरिदम को बनाते हैं, फिर हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा टीम है, इसमें सारे लोग आ नहीं पाए हैं तो, लेकिन कुछ लोगों के नाम हमने ऐड किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे टीम में बेसिकली